श्री एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से आज नीना जैन डॉक्टर चारू मेश्वरी हम लोगों ने कल सोशल मीडिया पे वायरल एक वीडियो देखा जिसमें ये दो छोटी बच्चियां भेलपूरी बेच रही थी, तो उसे देखकर हमें लगा ये उम्र जो है बच्चों के पढ़ने की है ना कि भेलपूरी बेचने की। तो मैं एक स्कूल रन करती हूँ तो मुझे अंदर से लगा कि मेरे स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, अगर मैं इन दो बच्चियों को और एजुकेशन दूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो आज से इन दोनों की बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी मेरी है। मैं नीना जैन, और अगर किसी भी काम की ज़रूरत हो, घर पे काम करना चाहो, फैक्ट्री में करना चाहो, तो आप कभी भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं और मैं अपने नंबर दे जाऊँगा, परेशान नहीं होंगे। इतना ही कहना चाहूँगी कि लड़की इतनी कम उम्र भी होते हुए भी उसने फिर भी घर की जिम्मेदारी समझी और ये कदम उठाया कि अगर हमें घर चलाना है तो हमें भी काम करना होगा। लेकिन इन बेचारी छोटी छोटी बच्चियों के जो भी पढ़ने की उम्र है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले इन लड़कियों की पढ़ाई पूरी हो और जो भी हम फाइनेंशियल हेल्प कर सकें या मेडिकल हेल्प जैसे फादर को हो। ये बेटी भी इतनी कमज़ोर लग रही है जबकि इसकी उम्र ज़्यादा है और बिल्कुल पीली पड़ी हुई है, तो मैं चाहती हूँ एक बार इसका मेरे हॉस्पिटल में एक बार ठीक से जांच हो और उसका मैं खर्चा पूरा उठाऊँ। मैं चाहती हूँ कि दोनों लड़कियाँ पढ़ें और इस तरह की और भी लड़की अगर हमें मिले तो हम चाहेंगे कि हम समाज के थ्रू इसमें खुद से हेल्प कर सकें।